धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मेन डेविएशन। मेन डेविएशन की कैलकुलेशन तीन भागों में बटी है और तीन प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। अब इनके भी तीन तीन पार्ट हैं, यानी कि इंडिविजुअल में भी हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे और डिस्क्रीट में भी सीखेंगे और कंटिन्यूअस में भी तीनों से सीखेंगे। ये जो तीन हमारे मीन, मीडियन, मोड तीन हैं, इन तीनों से ही हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन सीखेंगे। लेकिन वीडियो बड़ी ना हो इसलिए पार्ट वन में इंडिविजुअल सीरीज, पार्ट टू में डिस्क्रीट सीरीज, पार्ट थ्री में कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपके सामने पेश की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसलिए जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस बरकरार रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखिए, जिससे आपको समझ में तो देखने से वीडियो देखने से तो आ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके कमेंट में कभी कभी ये आ जाता है कि सर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है। बीच में कुछ टेक्निक भी बताई जाती है, अगर आपने स्किप कर दिया तो वह टेक्निक आपको कैसे मिलेगी बताइए। इसलिए आइए देखते हैं अंत तक वीडियो, स्टेप बाय स्टेप बाकायदे मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट इन कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में। ये प्रश्न आपके सामने मौजूद है जिसका क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इसी प्रकार से 70 to 80 तक दिया गया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 7, 10, 12, 4, 3, 6 एंड 3 दिया गया है। कैलकुलेट मेन डेविएशन एंड इट्स अ कोफिशिएंट, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल को और फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले इसी तरह से यहां पर कॉपी कर लेंगे और एफ का टोटल करके एन का पता लगा लेंगे। इसके बाद एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स जो होता है वो क्लास इंटरवल का आधा होता है, यानी 0 और 10 दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसका आधा कर लेंगे यानी हाफ कर लेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 10 to 20 इन दोनों का जो हाफ है वो 15 होगा। 20 to 30 और इसका हाफ 25। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह से हम इसको इसका हाफ कर लेंगे। और जब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन के लिए हमें एफ और एक्स की मल्टीप्लाई की आवश्यकता होगी। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एफ एक्स प्राप्त होगा और इसके द्वारा हम मीन की कैलकुलेशन करेंगे। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 5 या 25, 7 की 15 में करेंगे 105, 10 की 25 में करेंगे 250 और इसकी 12 की 35 में करेंगे 420 यानी 420, 4 की 45 में करेंगे 180, 3 की 55 में करेंगे 165 और 6 की 65 में करेंगे तो 390, 6 5 30, 6 6 36, 3 39 हुआ यानी कि 390 और इसी प्रकार से 220
5, यहां पर आपने देखा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दी गई है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा, और सिग्मा एफ एक्स का जब हम टोटल करेंगे तो सेवन, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, और इसका जो टोटल है वो 1760 यानी कि 1760 होगा, 1760। इसके बाद हम मीन की कैलकुलेशन करेंगे, तो मीन की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम मीन की कैलकुलेशन करेंगे यानी कि एक्स बार की। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 1760 अपॉन 50। यहां पर देखेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट प्राप्त होगा वो मीन होगा, 35.2 हमें प्राप्त हो गया। अब 35.2 जो है ये मीन है। अब इस मीन को x में से माइनस करके डी एक्स बार निकालेंगे इस तरह से, यानी 35 को 5 में से माइनस करेंगे, जो प्राप्त होगा वो डी एक्स बार होगा। इन दोनों के बगल में वर्टिकल जरूर लगाएंगे, वर्टिकल बार। अब घटाने पर हमें जो रकम प्राप्त होगी 35.2 में से 5 को घटाएंगे तो 30.2 प्राप्त होगा, फिर 35.2 में से 15 को माइनस करेंगे तो 20.2 प्राप्त होगा, ऐसे ही यहां पर 10.2 प्राप्त होगा। इसी तरह से 35 में से इसको घटाएंगे तो 0.2 प्राप्त होगा, फिर 45 में से 35.2 को घटाएंगे, और फिर 55 में से 35.2 घटाएंगे, और 65 और 75 में से घटा के यहां लिखेंगे, और फिर इस dx बार में f की मल्टीप्लाई करके हम यहां पर f dx बार ये निकालेंगे। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। इस तरह से हम dx बार बनाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे f का, तो हमें f dx बार प्राप्त होगा इस तरह से, यानी 30.2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 प्राप्त होगा, 20.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें 141.4 प्राप्त होगा, 10.2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 प्राप्त होगा। इसी तरह से ये सारा टोटल करने के बाद सिग्मा एफ डी एक्स बार का टोटल 793.6 यानी 793.6 प्राप्त हो चुका है। अब हमें मेन डेविएशन निकालना होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे मेन डेविएशन का। देखिए मेन डेविएशन इक्वल टू, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से हमारा तीन कोड मतलब इसका तीन नाम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन, यानी जो ये अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है 793.6 अपॉन 50 करेंगे, 793.6 अपॉन 50, तो हमें जो रकम प्राप्त होगी डिवाइड करने के बाद वो हमारा मीडियन होगा, जो कि 15.872 हमें मिला है। ये आंसर है मीन डेविएशन का। अब हम मीन डेविएशन के बाद कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं।
कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मीन। तो मीन डेविएशन तो आपने यहां देख लिया है 15.872 अपॉन मीन। तो मीन हमने यहां निकाला था 35.2, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो रकम प्राप्त होगा वो मीन डेविएशन का कोफिशियंट प्राप्त होगा और ये है 0.45। ये हमारा आंसर है। तो यहां पर हमने मीन डेविएशन एंड कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समझा है। अब मीडियन से और मोड से और समझेंगे। तो हमारा सवाल कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम आपके सामने यही है। इसी प्रॉब्लम को हम अब कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट मीडियन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिख लेंगे, ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन पर यहां पर मौजूद है। इसके बाद हम CF बनाएंगे यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो पहले 5 ऐसे ही रहेगा, इस 5 में 7 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे 12 में 10 को ऐड करेंगे 22 में 12 ऐड करेंगे 34 और 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 3 ऐड करेंगे 38 में तो 41 में 6 ऐड करेंगे तो 47 एंड 47 में 3 ऐड करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा n है, n के टोटल को ही हम 50 कहते हैं। इसका जो टोटल होता है वो यहाँ लास्ट वाला टोटल ही होता है, जिसको हम यहाँ पर n के रूप में लिखते हैं। अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे। मीडियन यानी मीडियन का जो कोड है वो m है। मीडियन लिख सकते हैं या m इक्वल टू लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू होता है साइज ऑफ n अपॉन 2 th आइटम यानी टूथ आइटम। n है 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25th आइटम। अब हम 25 को इस CF में देखेंगे, ये 25 कहाँ लाइज करेगा। तो 25 22 के आगे 34 में लाइज करेगा। अगर 34 में लाइज करेगा तो इसको हम L1 कहेंगे पहले नंबर को, इसको F कहेंगे। जस्ट जिस CF में लाइज किया है इसके ऊपर वाले को हम C के नाम से डिनोट कर देंगे। तब हमारा फॉर्मूला मीडियन का तैयार होगा ये L1 प्लस I यानी इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड n अपॉन 2 माइनस C। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां पर देखेंगे L1 की वैल्यू है 30 रखेंगे यहां पे प्लस I की वैल्यू है 10। I बोलते हैं इन दोनों के बीच के गैप को, 30 10 40 होता है, यानी कि 30 से 40 तक जाने के लिए इन दोनों का जो बीच का गैप है वो 10 का है। तो उसी 10 को ही हम यहां पर लेंगे। जिसे नहीं समझ में आए तो वो 40 में से 30 को घटाए, यानी इसमें से इसको घटाओगे तो आई यानी इंटरवल आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। अब एफ आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है, 12 के सामने हमने एफ लिखा है और सी 22 है। तो यहां पर आप लिखेंगे 12 और एन अपॉन 2 की जो वैल्यू है 25 है और सी की वैल्यू 22 है। ये रहा सी, दोबारा देख लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ाते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो ये है 30 प्लस 10 अपॉन 12 25 माइनस 22। तो 30 प्लस 10 इंटू
25 में से 22 को निकाल देंगे तो 3 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से देखते रहेंगे, आगे बढ़ाते हैं इसको। 30 को, ये 30 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करने पर हमें 2.5 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है 32.5 हमारा मीडियन मिल चुका है। मीडियन के आने के बाद यहां पर डी एम का कॉलम बनाएंगे। डी एम इस 32.5 को, यहां देखेंगे 32.5 को हम एक्स में से माइनस करेंगे, जो कि इन दोनों का जो आधा होगा वही एक्स होगा, उसको घटाएंगे। यानी या तो एक्स में से मीन डेविएशन को घटाइए या मीन डेविएशन में से एक्स को घटाइए, प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। यहां पर एक्स निकाल लेते हैं, पहले एक्स जो है इन दोनों का आधा है, तो 0 to 10 इसका हाफ कितना होता है 5, इसी तरह से इनका 15। अब आपने समझ लिया होगा, इस तरह से हमने इसका हाफ ले लिया। अब 32.5 को इसमें से घटाएंगे और घटा के यहां लिखेंगे, और इसमें f की मल्टीप्लाई करके यहां पर एफ डी एम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला मीन डेविएशन का आगे बढ़ेगा। इस तरह से जब इसका डीएम निकाल लेंगे, तो इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन, एफ डीएम निकालने के लिए एफ की मल्टीप्लाई इस डीएम यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन में करेंगे, 27.5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो हमें जो रकम प्राप्त होगी, जो अमाउंट प्राप्त होगा 137.5। इसके बाद हम 17.5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 122.5, 7.5 का 10 में करेंगे तो 75, इसके बाद 12 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 30, और 12.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 50, 22.5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 67.5, और 6 की मल्टीप्लाई 32.5 में करेंगे तो 195, और 42.5 की मल्टीप्लाईकेशन 3 में करेंगे तो यहां पर 127.5 प्राप्त होगा। अब हम एफ डी एम का मतलब मल्टीप्लाई तो कर चुके, अब हम इसका टोटल करेंगे, समीशन करेंगे। इस प्रकार से यहां पर ये अमाउंट जो इन सब का टोटल होगा, वो टोटल लगभग 805 होगा। तो अब हमारे पास इसका टोटल भी मौजूद हो गया है, और अब हम इसका मीन डेविएशन निकालेंगे। मीडियन तो हम निकाल चुके, अब निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन, यानी वो जो यहां पर 805 यानी 805 आया है, इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे। 50 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही मीन डेविएशन होगा। इसका आंसर है 16.1, ये है मीन डेविएशन। अब हम इसका कोफिशियंट निकालेंगे, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। फॉर्मूला है इसका मीन डेविएशन, यानी कि मीन डेविएशन अपॉन मीन। अगर इसको कोड के द्वारा व्यक्त करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये है इसका कोड। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 16.1, ये मीन डेविएशन है, और मीडियन यहां पे 32.5 है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कोफिशियंट 0.495, ये हमारा कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन प्राप्त हुआ। तो आपने यहां पर देखा स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या कैलकुलेट किया,
और कैसे कैलकुलेट किया है, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग जब आपकी समझ में आ जाए तब आप अपने बुक के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, इसके स्टेप्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। आइए अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन थ्रू मोड। अब यहां पर आपके सामने प्रश्न मौजूद है, वही प्रश्न हमने यहां पर लिया है, वही क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट यूजिंग मोड। अब की बार मोड का यूज करेंगे। मोड निकालने के लिए सबसे बहुत जरूरी है कि हम पहले मोड के द्वारा जब मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करें तो मोड को पहले कैलकुलेट करें ताकि हमें मोड का पता लगे कि आखिर मोड होता क्या है। जैसे कि यहां पर मोड प्राप्त हो, मोड का कोड है जेड। जेड इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला है, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू इंटरवल। क्लास इंटरवल लेंगे तो इस सवाल के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो f है इस सीरीज में क्या है, वो 12 है, इसको हम f1 लिखेंगे, इसके ऊपर वाले को f0 और नीचे वाले को f2 लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा f1 है उसके ठीक सामने वाला ये नंबर ये l1 होगा। तो अब हमने इसका कोड कर दिया और इनके बीच का जो गैप है वो 30 टू 40 10 का गैप चल रहा है 10 का। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सबसे पहले 30 प्लस F1 40 है, वहां पर देखेंगे F1 कितना है तो 12 है, तो यहां लिखेंगे 12 माइनस F0 10 है, इसके बाद 2 की मल्टीप्लाइकेशन 12 में यानी कि F1 में, उसके बाद F0 और F2 को माइनस करते हुए दिखाना है और I यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 30 प्लस 12 माइनस 10 करेंगे 2 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 24 में से 10 को और 4 को यानी कि 14 को माइनस करेंगे, तो 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे 30 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिला, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। अब इन दोनों को प्लस करने पर हमें जो मोड प्राप्त हुआ वो 32 प्राप्त हुआ जो कि हमारा मोड है। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे डी जेड। डी जेड किस तरह से डी जेड होता है, इस तरह से डी जेड, जैसे मीडियन और मीन में हमने डी एम और डी एक्स मार लिया था तो इसमें डी जेड लेंगे। डी जेड, डी जेड किस तरह से लेंगे, तो डी जेड लेने के लिए हम पहले एक्स बना लेते हैं, एक्स का होना बहुत आवश्यक है। एक्स कहां से लेंगे, इस क्लास इंटरवल का आधा, इस क्लास इंटरवल का जब आधा लेंगे तो वही हमारा एक्स होगा। 0, 10 इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 5 आएगा यानी 5, यहां पर इन दोनों को जोड़ के वही 15 जो कि हम पहले सवाल में कर चुके हैं सेम, क्योंकि इसको हम नए सिरे से आपको दिखा रहे हैं इसलिए हमें इसको दोबारा लिखना पड़ रहा है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 32 को इस एक्स में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो यहां पर 27 प्राप्त होगा, फिर 32 में से 15 को घटाएंगे तो यहां पर 17 प्राप्त होगा, 32 में से 25 को घटाएंगे तो 7। इसी तरह से पूरी लाइन को लिखेंगे और यहां पर डी जेड में इस एफ की मल्टीप्लाई करके हम एफ डी जेड ये कैलकुलेट कर लेंगे, तब हमारा फॉर्मूला मीन डेविएशन का आगे बढ़ेगा। और यहां पर इसका टोटल लिखेंगे सिग्मा एफ डी जेड। जब हमारे पास ये डी जेड प्राप्त होगा इसकी मल्टीप्लाईकेशन हम यहां एफ में करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था 5 की मल्टीप्लाईकेशन 27 में 27 में करेंगे और फिर 17 की मल्टीप्लाईकेशन
सेवन में, फिर सेवन की मल्टीप्लाईकेशन टेन में, तो हमें एफ डी जेड इस तरह से प्राप्त होगा और इसका जो टोटल होगा वो 808 प्राप्त होगा। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा एफ डी जेड अपॉन एन, यानी 808 अपॉन एन कितना है, एन जो है एफ के टोटल को एन बोलते हैं, ये एफ का टोटल है और ये 50 है, तो यहां पर 50 से इसको डिवाइड करेंगे। 808 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा, 50 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा मीन डेविएशन होगा 16.16। ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब इसका कोफिशियंट ले लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मोड। अगर इसको कोड के द्वारा लिखेंगे तो कोड है इसका, ये कोड है, ये कोडिंग के द्वारा है और इसकी वैल्यू पुट करिए 16.16 अपॉन मोड, मोड हमने निकाला था 32, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, इसको 32 से डिवाइड करके 0.505 ये हमें प्राप्त होता है। ये है कैलकुलेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हमने मीन डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड तीनों से स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस सीरीज में सीखा है। आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस अवश्य करेंगे और पहले ही सवाल को अच्छी तरह के मतलब हिसाब से आप देखेंगे, चाहे एक बार देखें चाहे दो बार देखें, परंतु जब अच्छी तरह समझ में आ जाए तब अपनी बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, आप अगर सोचेंगे कि नहीं करें तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये जरूर बताइए। हाँ, वीडियो के जब आप देखते हैं वीडियो को तो YouTube में राइट साइड में एक एरो का निशान लगा होता है टेढ़ा सा, वो डिस्क्रिप्शन का होता है, उस डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, उसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम के लिंक्स शेयर किए हुए हैं, जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बहुत सारे हमने प्रॉब्लम के लिंक दिया हुआ है। आप वीडियोज को खोलेंगे और उसमें से आप अपनी मनपसंद चीजें को देखेंगे और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें आप सर्च करते रहते हैं लेकिन आपको सही न्यूज नहीं मिलती है, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप जो है उस डिस्क्रिप्शन को जरूर खोला करिए और उसको देखा करिए और उसमें अपनी पसंद की जो वीडियोज हैं उनको भी देखिए। हो सकता है कि आप उसको सर्च कर रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा हो, तो इस वजह से उस डिस्क्रिप्शन का यूज अवश्य करिए।